एक साल पहले मैंने एक पॉडकास्ट पे ये बात बोली थी। जो फीमेल्स हैं उनको गन ट्रेनिंग होनी चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ पे जो क्राइम अगेंस्ट फीमेल है, वुमेन है, वो बहुत ज़्यादा है, तो एटलीस्ट उनको ट्रेनिंग होनी चाहिए, सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग होनी चाहिए। और उस टाइम पे लोगों ने काफ़ी शोर मचाया था, काफ़ी मेरे पास मैसेज किए कि हमारे देश में पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, अगर आप गन लॉज को थोड़ा सा लिबरल कर दोगे, हर सिटीज़न के पास अगर गन रखने का अधिकार हुआ तो हमारे देश में वायलेंस बहुत ज़्यादा फैल जाएगा। लेकिन अभी जो कोलकाता में डॉक्टर के साथ हुआ, देहरादून, राजस्थान, उत्तराखंड से जिस तरह की न्यूज़ आ रही है, उत्तर प्रदेश से जिस तरह की न्यूज़ आ रही है, एक बात तो जाहिर है कि पुलिस किसी भी क्राइम को होने से रोक नहीं सकती। दूसरा, क्राइम होने के बाद ही पुलिस वहाँ पहुँचेगी। इसका मतलब जिस टाइम पे आपके अगेंस्ट कोई ऑफेंस हो रहा है, खुद को बचाने की जिम्मेदारी आपकी खुद की है, और किसी दूसरे सिटीजन के साथ अगर इस तरह का कोई क्राइम हो रहा है तो भी एक दूसरे को बचाने की जिम्मेदारी एज ए कम्युनिटी हम सब की है। क्योंकि जिस टाइम आपके ऊपर अटैक होगा तो शुरू के 60 से 120 सेकेंड ही आपके पास होते हैं खुद को बचाने के लिए। लेकिन आज की तारीख में सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग ना होना, गन लॉज का लिबरल ना होना, ये हम सब के लिए एक बहुत बड़ा हिंड्रेंस क्रिएट करता है कि खुद को किस तरीके से डिफेंड किया जा सके। बहुत लिमिटेड ऑप्शन बच जाते हैं। और मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में PMO और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को टैग कर रहा हूँ, आप भी कमेंट सेक्शन में उन दोनों को टैग कर सकते हो, ताकि जो सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग है वो स्कूल लेवल से ही मैंडेटरी हो सके और गन लॉज इतने लिबरल हों कि एक लॉ अबाइडिंग सिटीज़न गन का लाइसेंस इजीली ले पाए, गन को रख सके, खुद को भी प्रोटेक्ट कर सके और किसी दूसरे इंडियन सिटीज़न के साथ अगर कुछ गलत हो रहा है तो उसको भी ऑन द स्पॉट प्रोटेक्ट किया जा सके।